नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के मेरे पास एक कमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला था कि भैया हमारी जो फ़ीस कैंसिल कराई है हमने, फ़ीस रिफंड कब तक होगी, दिल्ली विश्वविद्यालय 2021 एडमिशन। तो बिल्कुल आप सभी का ये डाउट बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी फ़ीस रिफंड नहीं हुई है, आखिर बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी फ़ीस रिफंड नहीं हुई। देखो मैं आपको बता दूँ, आप सभी को पता होगा कैंसिलेशन प्रोसेस जब आपने कराया होगा आपकी 1000 फीस लगी होगी, जो कि आपकी कैंसिलेशन फ़ीस होगी। उसके बाद आप बात कर रहे थे कि भैया हमने जो है अपने बैंक अकाउंट डिटेल भूल चुके हैं, या आपको अपडेट नहीं है, या हमें पता नहीं है कौन सा बैंक अकाउंट डिटेल डाला है। देखिए, अगर बैंक अकाउंट डिटेल सही नहीं होगी तो आपका जो है रिफ़ंड नहीं होगा, उसके लिए आपको मेल किया जाएगा। तो अप टू डेट अपना जो है मेल चेक करते रहें, आपको मेल पे इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपका जो फ़ीस थी रिफ़ंड हो चुकी है और इस अकाउंट में डाली गई है। अगर वो अकाउंट एक्टिव नहीं होगा तो वहाँ नहीं आएगी, समझ गए। बात करें कब तक आएगी, देखिए अभी जो है आप सभी को पता है कि इस समय जो है दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो हो चुका है ड्यू में आधे जो टीचर्स हैं आते हैं, आधे टीचर्स मतलब कहने का मतलब आधा आधा काम होता है। 100% कैपेसिटी के साथ जो है दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं खुल रहा है, 50% कैपेसिटी के साथ खुल रहा है। तो जो 50% टीचर्स हैं वो केवल जो एकेडमिक काम है उसी में लगे रहते हैं, और ये जो ऐसे काम होते हैं उसमें नहीं मतलब इन्वॉल्व होते, तो काफ़ी समय लग जाता है। इतना मैं आपको बता दूँ, लास्ट ईयर भी टाइम काफ़ी लगा था, तो इस साल भी काफ़ी टाइम लग रहा है। बच्चों की धीरे धीरे जो है फ़ीस रिफ़ंड होगी, आपको बता दो फ़ीस रिफ़ंड आपकी होगी, पर ये आपका कब तक हो या कब तक हो ये कुछ भी नहीं कह सकता, ये जनवरी से ज़्यादा तो मार्च लग सकता है, आपको इतना भी मैं बता दूँ। तो सभी आप ये पैनिक ना होइए कि आपकी फ़ीस आएगी कि नहीं आएगी, फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, आपको मैं कन्फर्म देता हूँ ये बिल्कुल। बस यहाँ पे ये है कि टाइम लगने वाला है, क्योंकि अगर आपने एडमिशन ले रहे होंगे 2021 में, तो आप सभी ये जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय कितना धीरा प्रोसेस काम करता है, कितना डीले प्रोसेस काम करता है, आप सभी ने देखा ही होगा। तो बिल्कुल जो कैंसिलेशन प्रोसेस आपने फिल कर दिया, फॉर्म फिल हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपकी फ़ीस है रिफ़ंड हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट में, समझ गए, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपकी दिल्ली विश्वविद्यालय कैंसिलेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, फ़ीस रिफ़ंड के रिगार्डिंग, तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो इसलिए आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कि जो भी इन्फॉर्मेशन आए आपके एडमिशन के रिगार्डिंग, कैंसिलेशन के रिगार्डिंग, तो आपको अपडेट मिल सके। बिल्कुल, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।